देख रहे हैं बीएस रिव्यूज। तो फाइनली बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार सर की आने वाली मूवी सरफिरा जो के कल थिएटर में रिलीज होने वाली है। इस मूवी की इस टाइम इंडिया के अंदर एडवांस बुकिंग चल रही है और एडवांस बुकिंग को बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स मिल रही है। यानी कि यहाँ पर जो अक्षय कुमार सर के फैंस है जो अपने आप को अक्षय कहते हैं भाई साहब, वो कहाँ है, क्यों नहीं इस मूवी की एडवांस बुकिंग कर रहे, क्यों इस मूवी को लेकर सीरियस नहीं है। यस के इन्हीं के यहाँ पर अगर मैं आप सभी को बताऊं तो भाई साहब इस मूवी का जो ऑफिशियल ट्रेलर था वो भी बहुत ही ज्यादा कमाल का था। भले ये मूवी रिमेक है, रिमेक का टैग है, लेकिन भाई साहब इस मूवी के अंदर जो अक्षय कुमार सर की परफॉर्मेंस है वो उनके करियर की आप कह सकते हैं कि एक बेस्ट परफॉर्मेंस होने वाली है। यस के इन्हीं के यहाँ पर हमने जो ट्रेलर देखा है उसमें भाई साहब अक्षय कुमार सर ने बहुत ही ज्यादा इंप्रेस किया है और उसके साथ साथ अक्षय कुमार सर के जो इस मूवी से रिव्यूज निकल कर आ रहे हैं वो भी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। तो दोस्तों यहाँ पर इस मूवी की जो एडवांस बुकिंग है वो उस लेवल की नहीं हो पा रही जिस तरीके की होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये मूवी फर्स्ट डे पर कितना कलेक्शन कर सकती है फुल डिटेल में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले जितने भी अक्षय कुमार सर के फैंस है भाई साहब वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप ऐसी को देख सके। तो फ्रेंड जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर सरफिरा मूवी की जो एडवांस बुकिंग है वो बहुत कम है। यस यानी कि यहाँ पर अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इस मूवी की जो अभी तक पूरे इंडिया से एडवांस बुकिंग हुई है वो समथिंग 40 लाख है। यस यानी कि 20,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट हुए हैं, 40 लाख इस मूवी की एडवांस बुकिंग हुई है और भाई साहब इस मूवी के पास अभी तक पूरे इंडिया में लगभग 4500 शोज है। यस यानी कि 4500 शोज है, यानी कि शोज भी आप कह सकते हैं कम है क्योंकि इंडियन 2 मूवी रिलीज हो रही है कल की 2898 बॉक्स ऑफिस पर चली है जिसका आप कह सकते हैं कि काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है और इस मूवी ने आप सभी को पता है कि बड़े बड़े रिकॉर्ड भी ब्रेक किए। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इस मूवी को जो शोज मिलने वाले वो भाई साहब उस लेवल के नहीं है जिस तरीके के नॉर्मली अक्षय कुमार सर की मूवीज को मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस मूवी के लिए सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि एक एग्जाम होगा डे फर्स्ट का, जहां पर अगर इस मूवी को पब्लिक अपना लेती है भाई साहब मूवी फर्स्ट डे पर भले ही कम कलेक्शन करती है लेकिन मूवी पब्लिक को पसंद आ जाती है तो सेकंड डे पर ये मूवी अपना जो गेम है वो बदल सकती है। यस यानी कि यहां पर पर्सनली बताऊं ना तो अगर ये मूवी फर्स्ट डे पर भाई साहब 3 करोड़ कमाती है, यस यानी कि जिस तरीके से इस मूवी की एडवांस बुकिंग हो रही है ना, मुझे नहीं लगता कि ये मूवी 3 करोड़ कमाएगी। अगर फॉर एग्जांपल ये मूवी 3 करोड़ कमा लेती है तो भाई साहब मूवी पब्लिक को पसंद आ जाती है, पॉजिटिव रिव्यूज निकल कर आते हैं तो सैटरडे संडे आप मान कर चलिए कि इस मूवी का जो कलेक्शन है वो भाई साहब डबल हो सकता है। यस यानी कि यहाँ पर 3 से 5 ये मूवी सैटरडे जा सकती है और 5 से ये मूवी 8 आप कह सकते हैं संडे भी जा सकती है। यस यानी कि अगर इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज मिलते हैं और ये मूवी पब्लिक की एक्सपेक्टेशन के पर पूरा उतरती है, लेकिन यहां पर अगर इस मूवी की एडवांस बुकिंग को देखकर इस मूवी के फर्स्ट डे का प्रेडिक्शन किया जाए तो भाई साहब मुझे लगता है कि जिस तरीके से पब्लिक इस मूवी के एडवांस बुकिंग में ठंडा रिस्पांस में दिखा रही है कल शायद इस मूवी के भाई साहब पब्लिक थिएटर में भी ठंडा रिस्पांस दिखाएगी और ये मूवी मुझे लगता है 2.5 करोड़ तक का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो कर सकती है। भाई साहब ये प्रेडिक्शन देते हुए भी मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है शायद ये मूवी 2.5 करोड़ भी कमा ना पाए। तो दोस्तों पर्सनली मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी ये थे कि ये मूवी 4 या 5 करोड़ से ज्यादा ही कमाएगी, लेकिन भाई साहब यहाँ पर एडवांस बुकिंग कम हुई है जिसकी वजह से मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलने वाला। तो दोस्तों मेरा जो प्रेडिक्शन है वो इस मूवी को लेकर 2.5 करोड़ तक का और सेल्फी का रिकॉर्ड शायद ये मूवी ब्रेक कर दे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि जो मूवी है फर्स्ट डे पर इतना कलेक्शन कर पाएगी, यानी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि